तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। इंटरफेस के अंदर हमने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे, बढ़िया बढ़िया जो कॉन्सेप्ट था, हिडन कॉन्सेप्ट था, उनके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट की तरफ देखने जा रहे हैं, जो कि है एनकैप्सुलेशन। सिक्योरिटी मॉड्यूल जो है उसके अंदर उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनकैप्सुलेशन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर कि एनकैप्सुलेशन कैसे वर्क होता है, इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स है, कैसे हम इसको अचीव करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बोल दूँ आपको कि सबसे सिंपल जो कॉन्सेप्ट है जो कि है उप्स के अंदर, वो है एनकैप्सुलेशन। बहुत ही सिंपल है यार, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एनकैप्सुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एनकैप्सुलेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो, एनकैप्सुलेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा रहता है। आपका फ्रेंड और आपने कुछ चॉकलेट्स खरीदे, जो ज़्यादा चॉकलेट्स है उनको आप अपने जेब में रखते हो, ना कि आपके खुले हाथ में रख देते हो। क्योंकि अगर कोई आपका दोस्त आ गया तो वो क्या करेगा, फटाक से आपकी तरफ से चॉकलेट्स ले लेगा, राइट। तो वो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन चॉकलेट्स को जेब में रख देते हैं, नहीं तो फिर किसी पॉकेट के अंदर रख देते हैं, नहीं तो फिर हम उसको बैग के अंदर रख देते हैं, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो उसने क्या किया, चॉकलेट्स को हाइड करके रख दिया, मतलब उसने डेटा को हाइड कर दिया। तो डेटा हाइडिंग का मतलब ही क्या होता है, एनकैप्सुलेशन। उसने क्या कर दिया, एक जेब में जो चोर जेब रहता ना उसके अंदर उसने डाल दिया था, बैग के अंदर, ठीक है, जो कि उसको मिलना नहीं चाहिए इसलिए। तो उसी के हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, कि डेटा को एक कैप्सूल के अंदर हम बंद कर देते हैं। एक कैप्सूल का मतलब क्या होता है, कैप्सूल का मतलब क्लास हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर हम डेटा को क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। एक्चुअल क्लास को मेमोरी अलॉट नहीं होती, ये भी अलग बात है, ठीक है, ये कि मैंने चर्चा की थी ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास को यहाँ पर कैप्सूल मान देंगे, कि उस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो डेटा पार्ट है, वो जो कि डेटा होल्डिंग पार्ट है, ठीक है। ज़रा इसको ज़्यादा कन्फ्यूज न करते हुए तुरंत हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। डेटा हाइडिंग क्या होता है, एनकैप्सुलेशन। बट इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन। उसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी को क्रिएट नहीं करते, उसका खाली नाम लिख देते हैं कि इसको आपको बनाना है, इस मेथड को आपको बनाना है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। तो इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग का क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन। बट जब भी हम बात करेंगे डेटा हाइडिंग के बारे में तो वो होता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, राइट। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर लिख दी है, एक है प्राइवेट कीवर्ड, गेटर सेटर मेथड्स एंड फाइनल कीवर्ड। इन तीनों की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे किसको, इम्प्लीमेंट करेंगे किसको, एनकैप्सुलेशन को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास पेपर बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं खुद के नाम पर रखने वाला हूँ, ठीक है, तो आप खुद का नाम भी रख सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आदित्य नाम का, मेरे पास एक क्लास है, ओके भाई। एक मेल मैंने बना दिया यहाँ पर मेरे लिए, अच्छा मैंने घर बना दिया है। उस घर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास डेटा है, डेटा मतलब क्या है, एक्स के अंदर जो मेरे पास एक्स एक वेरिएबल है, मेरे पास एक वाई एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है, खाली वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। तो अब मुझे क्या करना है, ठीक है, कुछ करने से पहले मैं क्या करता हूँ, और एक मेथड को बना लेता हूँ यहाँ पर, मेथड रहेगी यहाँ पर ABC, जिसके अंदर कुछ लिखा रहेगा आदित्य का घर, ठीक है, ये मेरे पास मेरा घर बन चुका है, ठीक है। तो अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में तो लिखना पड़ेगा यार, उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इसके लिए मुझे उसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो आदित्य नाम का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, ओके, एंड देन OBJ1 क्यों बोल देता हूँ बार बार यार, OBJ साले, ठीक है, ओके ओके ABC। तो मैंने यहाँ पर इसकी मदद से, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने ABC मेथड को यहाँ पर कॉल कर दिया है। तो अब मैंने क्या बोला, भाई इसका जो प्रिविलेज है, इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है, ये क्या है, बाई डिफॉल्ट पब्लिक है, बाई डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक। तो जो एक्सेस मॉडिफायर है ना, ये खुद ही एक क्या कर रहे हैं बताएं, इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने। मैंने क्या बोला, जो मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर्स है वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे होंगे, इनकैप्सुलेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे।
जब भी मैं पब्लिक की बात करता हूँ तो मतलब क्या होता है कि पूरे पैकेज के बारे में बात करता हूँ, कि पूरे पैकेज के अंदर वो एक्सेसिबल रहेगा। जब भी प्राइवेट की बात कर देता हूँ, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि खाली उस क्लास के अंदर ही उस वेरिएबल को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, इसी क्लास के अंदर। अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्टेड की, तो प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल रहता है, एक्सेस प्रिविलेज रहता है, वो उस इनहेरिटेंस के अंदर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस उस वेरिएबल को जिसको मैं प्रिविलेज देता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दे दूंगा प्राइवेट, तो मतलब क्या हो गया कि ये वेरिएबल आप खाली इसी क्लास के अंदर चेंज कर सकते हो, इसी क्लास के अंदर जो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग कर दी थी, ठीक है, इसी क्लास के अंदर। बट मैंने क्या बोला भाई, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको एक्सेस चाहिए इस वेरिएबल का। देखो अनदर क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इस क्लास का, उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसको मुझे एक्सेस चाहिए, तो मैं कैसे डिफाइन करूँ, कैसे उसको एक्सेस करूँ। बट मुझे तो पता है यहाँ पर प्राइवेट है, मतलब इस वेरिएबल को मैं इसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, पर मुझे वैसे नहीं चाहिए। तो उसी लिए हमने क्या किया, गेटर सेटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गेटर सेटर मेथड्स क्या करते हैं, हमें इस वेरिएबल को एक्सेस करने में मदद करते हैं। जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पर बना दूँ void setter, ठीक है, इस setter मेथड के अंदर क्या होगा, मैं लिखूंगा this dot x equal to x, confuse कोई बात नहीं x, ठीक है। इसने क्या किया, एक वेरिएबल को लिया, ठीक है, इस वेरिएबल ने क्या किया, इस this नाम के, this का मतलब क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस किसको कर रहा है, ग्लोबल वाले को। this का मतलब क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल को रेफरेंस करना। इस x के अंदर, इस x के अंदर जो आया हुआ x है उसको डाल दो, ये वाला x, ये वाला है, ठीक है। इसने क्या बोला, जो भी x इसके अंदर आया है उसके अंदर वो x को डाल दो जो प्राइवेट है, जो कि ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है। तो ऐसे में क्या करूँगा, y को कर दूंगा। कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा आपको। देखो जरा समझने का ट्राई करो, समझ जाओगे। गेटर सेटर बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या बोला मैंने, सेटर टू, इसने क्या किया, इंट वाई को लिया और दिस डॉट वाई के अंदर इस वाई को डाल दिया। मतलब मैंने क्या किया, ऐसे खाना था तो मैंने ऐसे खा लिया उसको, समझ में आ गया। क्योंकि ये प्राइवेट था, ये तो प्राइवेट था, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता था दूसरे क्लास के अंदर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक मेथड को क्रिएट किया, उस मेथड को बोला भाई दिस डॉट, मतलब उस क्लास के अंदर मैंने कॉल किया ना, इसको मैंने प्राइवेट नहीं किया है। देखो अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो बात गड़बड़ जाएगी, इसको मैंने प्राइवेट नहीं किया है, मतलब ये क्या हुआ, पब्लिक हुआ। तो इस मेथड को मैं एक्सेस करूँगा इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से, और देखो सेटर वन के अंदर मैं 10 लिख दूंगा, तो ये 10 किस में आसान हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर, इस प्राइवेट वाले वेरिएबल के अंदर वो आसान हो जाएगा। कैसे, मैंने कॉल किया इस सेटर को, इसने क्या किया, दिस डॉट एक्स के अंदर, मतलब इसके अंदर एक्स को कॉल कर दिया। बस खाली मेथड क्रिएट करके हम गेटर सेटर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं, जो कि वह प्राइवेट है, ठीक है। ये बात हुई फिर सेटर की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गेटर बनाना पड़ेगा जो कि कुछ रिटर्न करेगा। गेटर का मतलब क्या होता है, कि इसकी वैल्यू मुझे रिटर्न करनी, इसके अंदर जो भी वैल्यू थी उसको मुझे रिटर्न करना है यहाँ पर। तो इसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंट रहेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं मैं दिख रहा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट गलती से बोल दिया, गेटर लिख दूंगा यहाँ पर। और गेटर के अंदर मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक रिटर्न टाइप रहेगा इंट नाम का, और रिटर्न करूँगा मैं एक्स को, मतलब जो भी मेरे पास इसकी वैल्यू है एक्स की वो मैं खाली रिटर्न कर दूंगा यहाँ से। देखा मैंने खाली दो मेथड के माध्यम से, गेटर और सेटर माध्यम से क्या कर दिया मैंने, एक्स और वाई को चेंज किया, उसको रिटर्न किया, इसके अंदर कुछ वैल्यू को असाइन किया, राइट। गेटर सेटर का नाम ही फिक्स है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गेटर और सेटर एक कॉन्सेप्ट है। गेटर का मतलब क्या, डेटा को रिटर्न करना। सेटर का मतलब क्या, डेटा को लेना और अपने अंदर का जो मटेरियल है उसके अंदर वो स्टोर करना। तो आप यहाँ पर अगर गेटर सेटर का इस्तेमाल क्यों करना, ऐसा आपका क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, तो देखो जरा मैं यहाँ पर इफ़ की कंडीशन डाल सकता हूँ। जैसे इफ अगर एक्स 7 से कम हो तो आप इसको अपडेट कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप कुछ यहाँ पर मैसेज को प्रिंट कर सकते हो कि नहीं भाई आपसे नहीं होने वाला,
आप अपडेट मत करना। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको डालने होंगे ना, तब आप क्या करते हो, गेटर सेटर का इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों इस तरह हम क्या करने वाले हैं, इस गेटर सेटर का इस्तेमाल करके हम एनकैप्सुलेशन को अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया दोस्तों, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो प्राइवेट वेरिएबल्स को बनाया, ठीक है। उनको एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक गेटर नाम के यहाँ पर क्या बनाया, उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने गेटर नाम का एक मेथड को क्रिएट किया और मैंने सेटर नाम का मेथड को क्रिएट किया टू इसके अंदर वैल्यू को डालने के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाकर डालना होगा तो मैं इस तरह उसके अंदर डाल सकता हूँ। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को प्राइवेट एक्सेस कर देते हैं, उसको एक्सेस प्राइवेट दे देते हैं, एंड उसको एक्सेस करने के लिए हम इन दो क्या करते हैं, मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है गेटर, एक होता है सेटर, ठीक है। तो ये बात हुई पूरी हमारे एनकैप्सुलेशन के गेटर और सेटर मेथड के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दिस कीवर्ड का काम क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। इसी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना है तो अब हम क्या करते हैं, फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तब हम क्या करते हैं, फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं ABC जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू मुझे 0 फिक्स करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, फाइनल है। फाइनल का मतलब अब इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब भी आप यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे और आपने किया obj.abc=100, आपने यहाँ पर अगर डालने की कोशिश भी की तो ये क्या बोलेगा कि भाई एबीसी जो है वो फाइनल कीवर्ड है, फाइनल कीवर्ड के साथ बंधा हुआ है, तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, नेवर एवर, ठीक है। आप उसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो फिक्स है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फाइनल कीवर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं। तो ये बात हुई पूरी एनकैप्सुलेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने प्राइवेट कीवर्ड का मतलब जाना, उसका इस्तेमाल कैसे होता है एनकैप्सुलेशन के अंदर वो समझा, देन अपन ने देखा गेटर और सेटर मेथड्स क्या होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्चुअली गेटर और सेटर मेथड्स के नाम नहीं है, ये कन्फ्यूजन मुझे बहुत बार होता था कि गेटर और सेटर, मैं हमेशा क्या नाम देता था, सेटर, गेटर, ये ऐसे नहीं है। आप यहाँ पर मेरा नाम भी लिख सकते हो, आदित्य वन भी लिख सकते थे सेटर की जगह, क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सेटर का मीनिंग क्या होता है कि जो ग्लोबली डिक्लेयर वेरिएबल्स है उसके अंदर मुझे क्या करना है, असाइन करना है, जो वेरिएबल कॉल होने के बाद जो वैल्यू लेकर आया है उसको मुझे असाइन करना है, लाइक दिस। बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सेटर था, यहाँ पर गेटर ही लिखना है, यहाँ पर सेटर ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। गेटर और सेटर एक कॉन्सेप्ट है जिसको नाम दिया गया है मेथड का, गेटर और सेटर, इस मेथड को नाम दिया गया है गेटर और सेटर। एंड फाइनल कीवर्ड तो आपको पता ही है, फाइनल कीवर्ड का काम क्या होता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देना, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरी बात थी एनकैप्सुलेशन की, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का यहाँ पर ट्राई किया है, ठीक है। जो भी मेरे पास पूरा कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, मैंने सब कुछ यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट पिलर था एनकैप्सुलेशन। इसके बाद में हम वीडियोज़ डालेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स साथ में करेंगे इसके ऊपर, जो हमने पूरा उफ्स यहाँ पर सीख लिया है ना उसके बारे में हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ आता है, एक्सेप्शंस आते हैं, एरर आता है, उसके बारे में भी फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक दे देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत की है इस वीडियो को निकालने के लिए, इस सीरीज को निकालने के लिए, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब भी दे देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना इस प्लेलिस्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।